ये देखें, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इंडेक्स है और ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं और कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर आते हैं हम, पहले हम ज़रा वेटेज के ऊपर आ जाते हैं कि सिलेबस में हमारी जो वेटेज है टॉपिक्स की, वो वेटेज कितनी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो किस फ्रेमवर्क से हमें पढ़ना है। ये देखो, वही सेम पेपर होगा, 2 घंटे का, 60 OTQs वगैरह आएंगे। ये सिलेबस का वेटेज है। तो आपके सिलेबस में एक माइनर पोर्शन तो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का और अकाउंटिंग रेगुलेशंस का। ये है थ्योरी, स्ट्रेट थ्योरी, 10% बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट। ये फर्स्ट चैप्टर है ना जी, ये स्टार्ट में दिया हुआ है, स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स दिए। मैं बताता हूँ अभी आपको, थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद जो मेजर सिलेबस है ना, वो है बेसिक अकाउंटिंग। ये है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग में फिर आपको बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग बताई जाएगी, फिर उसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के तरीके बताए जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बैंक रिकंसिलेशन कैसे बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट, एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट, इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग के मुख्तलिफ तरीके बताए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा आधा सिलेबस जो है ना, आधा पेपर, 30 OTQs अप्रॉक्स, वो इस सेक्शन से आने। मैं एफर्ट भी इसी पे करनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 30%, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सही है। यानी कि आपका 80% पेपर, यानी कि पूरा इंटायर पेपर जो है वो बी और सी से बनकर आएगा मेनली। और आखिरी एक 10% सेक्शन है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी कैलकुलेशन है। सो ए पार्ट को छोड़कर आपका बी सी और डी मेजॉरिटी कैलकुलेशन, उसके अंदर भी थ्योरी होती है, लेकिन ए पार्ट इंटायरली थ्योरी, बी सी डी मेजॉरिटी कैलकुलेशन, उसमें से मेन हमारा फोकस है बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रिलेट करते हैं अपने सिलेबस के चैप्टर्स के साथ। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, आप देखें ये जो पहले 2 चैप्टर है ना, ये वाले, ये 10% है, ठीक है। थ्योरी के जो चैप्टर है ये 10% को कवर कर, और ये जो लास्ट है ना, ये केस स्टडी तो छोड़ दें, क्वेश्चन 21वां चैप्टर तो छोड़ दें, इग्नोर करें, 21 के बाद सिलेबस नहीं है। ये जो लास्ट है ना, ये आपका लास्ट 10% दी, इसका एक चैप्टर दिया हुआ, ठीक है, और एक 2 चैप्टर वो दिए हुए 20% ऑफ द सिलेबस। इन बिटवीन हमारे पास तुम्हें नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर थ्री से लेकर चैप्टर नंबर यहाँ तक ना, 14 तक, 3 से लेकर 14 तक कितने बनते हैं, तकरीबन 11 चैप्टर्स बनते हैं, जो कि सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 50% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और बाकी 15 से लेकर 19 तक के जो बन रहे हैं, ये हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी 15 से ऑनवर्ड्स 15 16 17 18 19, ये आपका वो 30% ऑफ द सिलेबस है। तो ये बात हो गई सिलेबस की। अब जो बेसिक अकाउंटिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बेसिक अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग जो है वो कहाँ दी हुई है, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग 3 चैप्टर्स में कवर की हुई है, ये वाली बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स और टी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, डबल एंट्री कैसे बनती है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक कैसे बनाए जाते हैं, ये 3 चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग। और जो ऊपर दिए हुए हैं वो है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग एनवायरनमेंट। ये कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें तो अकाउंटिंग एनवायरनमेंट वगैरह में तुमने पढ़ी भी होंगी, क्योंकि थ्योरी है तो मैं बुक से ही रेफर कर रहा हूँ उसको डायरेक्टली। जैसे स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ा जी सर, स्टेक होल्डर तो पता है ना तुम्हें कौन कौन से होते हैं, सही है, ठीक है जी जी। अच्छा, बिजनेस, बिजनेस जो होते हैं ना बिजनेस, ये भी तुमने पढ़ा है। बिजनेस कई तरह से होते हैं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होते हैं, सही है, और ट्रेडिंग बिजनेस भी होते हैं, और सर्विस बिजनेस भी होते हैं, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या एंटिटी या कंपनी, ये सब एक जैसी चीज़ है, ठीक है। कोई भी बिजनेस होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, काम करता होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो प्रोडक्ट बनाता होगा,
ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रोडक्ट बनी बनाई बेचता होगा, सर्विस बिजनेस है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे हम फोन की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, सही है, टेलीफोन की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, सो एंड सो। बिजनेस को हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, कितने तरह से क्लासिफाई करते हैं, तीन तरह से बिजनेस को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा सोल प्रोपराइटर या सोल ट्रेडर, सही है। सोल ट्रेडर कौन होता है, जो एक अकेला शख्स बिजनेस कर रहा होता है, सही। अब अकेला शख्स बिजनेस करेगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि उसके पास या तो रिसोर्सेज भी कमी होगी, कैपिटल की कमी होगी, पैसों की कमी होगी, मैन पावर की भी कमी होगी, अकेला बंदा होगा, सही है। तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ अपना पैसा इस्तेमाल करेगा और कुछ पैसा वो लोगों से उधार लेगा। नॉर्मली वो कहाँ से उधार लेता है, किससे उधार लेगा, बैंक से उधार लेगा, ठीक है, बैंक नॉर्मली, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं बैंक के अलावा किसी से नहीं ले सकता, बैंक से उधार ले सकता है, कहीं और से पैसा बोरो कर सकता है, गुड्स क्रेडिट पे खरीद सकता है, सोन। लेकिन अपना पैसा जो उसका लगा हुआ है उसके साथ साथ उसको बाहर से आउटसाइडर सोर्स से पैसा लेना पड़ता है। बैंक किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैनल है बैंक। बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, बैंक का काम क्या, सरप्लस यूनिट से पैसे लेके डेफिसिट यूनिट को पैसे देता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये तो तुमने इकोनॉमिक्स वाली बात बताई, इसका सिंपल सा मतलब है बैंक के दो ऑपरेशंस होते हैं, लोन लेना, पैसा लेना और पैसा देना, क्लाइंट से डिपॉजिट लेना, वो उठा के किसी और को दे देना, और उससे क्या कमाना, उससे इंटरेस्ट कमाना, ठीक है। तो हर बिजनेस बैंक से पैसा लेता है और बैंक को उसके ऊपर क्या देता है, इंटरेस्ट पे करता है। सोल ट्रेडर हो गया। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में क्या होता है, जब आपको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है या आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आप कहते हैं यार मैं अकेला काम नहीं कर सकता, एक काम करते हैं दो या दो लोग मिलकर, जैसे हम दोनों ने कहा कि ठीक है हम एक चाय का होटल खोल लेते हैं, आजकल बड़ा अच्छा बिजनेस है, तो क्यों हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, या तो कैपिटल एक लगा रहा होगा टाइम दूसरा देगा, या दोनों कैपिटल लगाएंगे दोनों टाइम देंगे, ठीक है। दो बंदे दो से ज़्यादा लोग मिल कर ना क्या करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले एक बंदा पैसा लगा रहा था, अब दो बंदे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस, यानी कि तुम्हें सिमा में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पूरे सिमा में है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जाएंगे कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में वैसे कोई खास फर्क नहीं होता, सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग एक जैसी ही होती है। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, कंपनीज की आगे हम क्लासिफिकेशन शायद पहले देख भी चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट पता की थी हमने इकोनॉमिक्स में, पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी जी, तो ठीक है। तो कंपनी को हम कंपनी ट्रीट करते हैं फिलहाल। कंपनी जो होती है ना वो लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजीज आना शुरू हो गई अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल, इन तीन चीज़ों से मिलकर सारी चीज़ें बनती है। यानी कि अगर आप एक अदद बैलेंस शीट की बात करेंगे ना जब भी, तो उस बैलेंस शीट में एसेट्स होंगे, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होंगी और उस बैलेंस शीट में कैपिटल होगा, ठीक है। तो कंपनी और बाकी बिजनेस में फ़र्क ये है कि कंपनी जो होती है ना वो उसके शेयर होल्डर्स की होती है। कंपनी को कौन ओन करता है, ऑनर ओन करता है, लेकिन ऑनर कौन होते हैं, ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आगे जाके इस बात करूँगा लाइबिलिटी लिमिटेड क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, अभी इस पर हम बात नहीं कर रहे। तो ये तो बेसिक बात हो गई, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, ये आपको पता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जैसे तुमने अक्सर सुना होगा के इलेक्ट्रिक के बारे में, PIA के बारे में, ये एक लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर बिकते हैं, कोई भी शेयर्स खरीद के ऑनर बन सकता है के इलेक्ट्रिक का, PIA का, PSO का, लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेंगे, वो कुछ लोगों के हाथ में होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में, तो वो ट्रेड नहीं होते ना। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कुछ लोगों के हाथ में होते हैं। ऑनर कौन होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, कुछ, ठीक है। फिर एक क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो काम नहीं करते, कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स नॉर्मली एक ही होते हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं,
और डायरेक्टर्स उनके बिहाफ पर काम करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, डायरेक्टर्स को एजेंट कहा जाता है और शेयर होल्डर्स को कहा जाता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है अदर देन प्रॉफिट कमाना, उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल दी हुई क्लब्स एंड सोसाइटीज। तो जो मुख्तलिफ क्लब्स होते हैं ये अपने मेम्बर्स के लिए बनाए जाते हैं, ये मेम्बर्स के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं, सोशल क्लब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरह जो ना प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ भी वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। चैरिटीज़ क्या करती हैं, चैरिटी सोशल कॉज के लिए काम कर रही होती हैं, हॉस्पिटल खोल लिया तो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल स्कूल हो गया, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के तौर पे काम कर रही होती हैं। कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जो कि गवर्नमेंट की लोकल और सेंट्रल बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं, दीज आर द एंटिटीज़, ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ सर्विसेज दे रही होती हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स इनके होते हैं, ये कर रही होती है, ठीक है। अकाउंटिंग की एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल गवर्नमेंट बॉडीज की एग्जांपल आप ले लें, ये जैसे फॉर एग्जांपल एफबीआर ले लें, एफआईए ले लें, टैक्स डिपार्टमेंट ले लें। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है ना, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, बिजनेस ने एक चीज़ बेची, खरीदी, एसेट्स खरीदे, एसेट्स बेचे, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, चाहे वो बिजनेस किसी भी नेचर का हो, तो बिजनेस उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो अकाउंटिंग क्या काम करती है, अकाउंटिंग क्या करती है, बिजनेस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है, समराइज करने में हेल्प करती है, क्लासीफाई करने में हेल्प करती है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, और उसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ऑनर्स तक, बल्कि आप अपने स्टेक होल्डर्स तक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अपने स्टेक होल्डर्स को, ऑनर को, अदर पार्टीज़ को, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिसीजन ले सकें कंपनी के बारे में। मसलन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो पता लगेगा ना टैक्स वालों को कि आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, आपको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी तरह एम्प्लॉयज़ को पता लगेगा कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं यहाँ रुकूँ, वरना मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन करूँ। इसी तरह शेयर होल्डर्स को ये पता लगेगा या ऑनर को पता लगेगा कि जी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊँ, वरना इस कंपनी से मैं पैसा विदड्रॉ कर लूँ। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो सिर्फ ऑनर को ज़रूरत नहीं होती, इन्फॉर्मेशन तमाम स्टेक होल्डर्स को उसकी ज़रूरत होती है, सही। अच्छा, बिजनेस के अंदर जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना, हर ट्रांजेक्शन के पीछे बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन होती है। क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि अगर आप कोई भी काम करेंगे ना, तो बिजनेस तो उसको प्रूफ मांगेगा ना, बिजनेस ओरली तो नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बेचूंगा तो उसकी इन्वाइस बना के दूंगा, तुम मुझे फीस पे करते हो, कभी इन्वाइस मिली तुम्हें? नहीं। तो हम तरीके से काम नहीं कर रहे ना। लेकिन आप फॉर एग्जांपल इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और एडमिशन फीस देंगे, वो कहेंगे ठीक है हो गई चले जाएं, आप क्या कहोगे उन्हें, वैसे स्लिप तो दें, प्रूफ कहाँ से होगा, कल आपने कहा मुझे नहीं मिली तो प्रूफ कहाँ से आएगा, क्योंकि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन के सिस्टम अलग होते हैं, लेकिन फिजिकली आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप इस प्रूफ के तौर पर उनसे रिकॉर्ड मांगते हो ना, और वो रिकॉर्ड वो अपने पास अपडेट करके रखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, ट्रांजेक्शन्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है एविडेंस के लिए, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं ना, वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं कि आप एक चीज़ बेचते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, ख़रीदेंगे तो कौन सा, उन डॉक्यूमेंट से डेटा उठाया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। उस डॉक्यूमेंटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपका डेटा होता है, ठीक है। और जब आप उस डेटा को मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, तो अगर मैं आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट दूं तो वो शेयर होल्डर्स या ऑनर के काम का कोई है, वो तो कहेंगे इससे कन्वर्ट करके मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हम फायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस डेटा को हम यूज करते हुए इंफॉर्मेशन जनरेट। तो बिजनेस में क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हुई, उस डॉक्यूमेंटेशन को अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड किया। अब ये डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल आ रही है।
अब क्योंकि 10% वेटेज है ना इस एरिया की, तो सिलेबस में इससे थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन से बिजनेस में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं कोटेशन। मसलन तुम्हें एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, तो लैपटॉप ऐसे जाके गली मोहल्ले से ले लोगे, तुम लैपटॉप बेचने वालों से कोटेशन मांगोगे ना कि यार बताएं आप लैपटॉप कितने का देते हैं, सही है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो कोटेशन नॉर्मली बिजनेस लेते हैं गुड्स वगैरह खरीदने के लिए, उसके अंदर कोटेशन में वो क्वांटिटी बताते हैं कि जी हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस डिस्क्रिप्शन की चाहिए, ये डिटेल्स हमें ये चाहिए, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस सप्लायर से गुड्स खरीदने, और बाद में जब आप परचेज ऑर्डर बनता है ना अगला, तो उससे वो कोटेशन रेफर किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या कोटेशन थी और ऑर्डर क्या प्लेस, मसलन मैंने आपसे कहा कि जी मुझे 100,000 यूनिट्स खरीदने, प्राइस बताओ, आपने कहा 2 रुपये का एक यूनिट होगा, बाद में ऑर्डर प्लेस किया तो उस पर 2.5 रुपये लिखे हुआ है, तो मैंने कहा भाई वो कोटेशन तो 2 रुपये की आई थी, 2.5 रुपये क्यों लिखे। तो कोटेशन परचेज ऑर्डर के साथ क्रॉस रेफर किया जाता है, ठीक है। कोटेशन आ गई, अब मुझे 4 लोगों से कोटेशन मिली, तो मैं 4ों को तो नहीं चूज़ करूँगा ना, मैं 1 या 2 सप्लायर को चूज़ करूँगा। मैंने क्या किया, 1 सप्लायर को चूज़ कर लिया, सही है, और उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसको हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर भी डॉक्यूमेंट होगा, इसके अंदर सप्लायर की डिटेल लिखी हुई होगी, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वांटिटी कितनी मंगवाई, डिस्क्रिप्शन कितनी थी, सही है, टर्म्स एंड कंडीशन, कितने दिन में देगा, पेमेंट कब होगी। नॉर्मली कैश में खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, कैश में नहीं, बिजनेस ज़्यादातर क्रेडिट पे काम करते हैं, बिजनेस कैश पे काम नहीं करता, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, फिर उसमें डिस्काउंट्स वगैरह भी आएंगे आगे। एक बंदा आपको कह रहा है आज दोगे तो इतना दूंगा, आज 10 दिन बाद पेमेंट करोगे तो ज़्यादा लूंगा, तो होता है ना नॉर्मली। तो कैश पे भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्रेडिट पे भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम गुड्स खरीदते हैं कैश पे भी खरीदते हैं, क्रेडिट पे भी खरीदते हैं, हम गुड्स बेचते हैं कैश पे भी बेचते हैं और क्रेडिट के ऊपर भी बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, परचेज ऑर्डर आप किसको भेजते हैं, परचेज ऑर्डर आप भेजते हैं सप्लायर को, आप सप्लायर को बोलते हैं भाई ये मेरा ऑर्डर है, सही है, जैसे ऑनलाइन आजकल होता है, ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, तो इसी तरह आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई अपना जो है ना वो कोटेशन के हिसाब से ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, सही है, और वो ऑर्डर फिर वो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर लेते हैं, परचेज ऑर्डर को फिर डिलीवरी नोट के साथ। डिलीवरी नोट क्या होता है, डिलीवरी नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप जब गुड्स वो भेजेगा ना, सही है, जब वो बिट्स गुड्स भेज देगा तो उसके साथ जो है ना आपको पता लग जाएगा, आप मैच कर लेंगे कि जी कि ये क्या है। जिसे यहाँ लिखा हुआ है डिस्पैच नोट, गुड्स डिस्पैच नोट, GDN, ठीक है, इसमें डिटेल ऑफ सप्लायर, नाम और एड्रेस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय सप्लायर। तो मैं याद रखना कौन सा डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, सही है, उसको किसके साथ चेक किया जाता है, ठीक है। तो जब गुड रिसीव हो जाते हैं ना, गुड रिसीव हो जाते हैं तो आप अपने परचेज ऑर्डर को और गुड रिसीव को देखते हैं, मैच करते हैं, आप कहते हैं यार ये मंगवाया था ये तो आया ही नहीं। जैसे फूड ऑनलाइन डिलीवरी का ऑर्डर दिया, उसे 10 चीज़ें मंगवाई, सो वो जो आपको बिल देगा, राइडर आएगा, उससे मैच करोगे ना यार ये मंगवाया था, बोले एक चीज़ तो आप लेकर ही नहीं आए, तो ये मैच किया जाता है कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से चीज़ें आई या नहीं आई, ताकि पेमेंट वगैरह को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाए। अच्छा, इसी तरीके से गुड रिसीव नोट कब बनता है, जब आप गुड्स मिल जाता है ना आप, तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होता है कि जी आपने गुड्स रिसीव कर लिए, उस पर बंदा साइन करवा लेता है, ऐसा ना आप बाद में कहें जी मुझे तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुए थे, ट्रक वाला पता लगा किसी और को दे के चला गया, ठीक है। तो गुड रिसीव नोट, जब गुड ले लिए जाते हैं तो उसके साथ गुड रिसीव नोट बन जाता है जिसमें क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है। कौन बनाता है, प्रोड्यूस बाय बिजनेस रिसीविंग द गुड्स एज प्रूफ ऑफ रिसीट, किसके साथ मैच किया जाता है, सप्लायर के डिस्पैच नोट के साथ मैच किया जाता है, अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफाई आप एग्री हैं तो आपने उस पर साइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, सप्लायर आपको इनवाइस देगा, इनवाइस कहते हैं बिल को, इनवाइस देगा, इनवाइस कौन इशू करेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स, उसमें क्या होगा भाई इतने दिनों में हमें आप पेमेंट कर देंगे, सही, जो सप्लायर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स इनवाइस होगी क्योंकि वो बेच रहा है ना, और जो कस्टमर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बात होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब एक पार्टी के लिए जो सेल्स इनवाइस होती है वो दूसरी पार्टी के लिए परचेज इनवाइस होती है। एक पार्टी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स रिकॉर्ड करेगी तो सामने वाली पार्टी क्या रिकॉर्ड करेगी,
परचेजेस रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। एक पार्टी को पैसा रिसीव करना होगा तो वो रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगी, दूसरी पार्टी उसको पेएबल रिकॉर्ड करेगी, सही। एक पार्टी उसको अपने पास एसेट रिकॉर्ड करेगी क्योंकि उसे रिसीव करना है, दूसरी पार्टी को क्योंकि देना है तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट इशू किया जाता है जिसके अंदर डिटेल ऑफ सप्लायर, नेम एंड एड्रेस, डिटेल ऑफ डेट, इनवॉइस नंबर एंड वैल्यू, पेमेंट मेड, रिफंड, ओविंग, ये सप्लायर का स्टेटमेंट आता है। सप्लायर इशू करता है अदर डॉक्यूमेंट के साथ, इसे चेक किया जाता है कि अमाउंट जो है वो हमारा जो आउटस्टैंडिंग है। बाज़ाबत सुना होगा कि बंदा भेज दे किसी को कि यार आपको हमें 1,00,000 रुपये देने, उसने कहा अच्छा, उसने कहा हमारे हिसाब से तो 80,000 रुपये आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वेरीफाई किया जा सके कि आपकी पेमेंट जो ड्यू है वो सही ड्यू है या नहीं ड्यू है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं किसी वजह से, या तो गुड्स ख़राब आ गए या हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं आए, तो उसके लिए फिर एक नोट बनाया जाता है रिटर्न के लिए जिसको कहा जाता है क्रेडिट नोट। कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा कि जी ये हमने जो इनवाइस भेजी थी ना, ये इनवाइस के अगेंस्ट होता है, हमने जो इनवाइस भेजी थी ना उस इनवाइस में हमने कुछ चेंजेस कर दिए क्योंकि आपने कुछ गुड्स हमें वापस कर दिए थे, लेकिन ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अगेंस्ट भेजा जाता है। डेबिट नोट कौन भेजेगा? डेबिट नोट बिजनेस भेजेगा जिसको गुड रिसीव हुए, सही है। और यानी कि यूँ समझ लें कि हमारे पास ना एक रिक्वेस्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें क्रेडिट नोट भेजो ताकि मैं इनवॉइस के साथ लगा दूं, उसको इनवॉइस करेक्ट हो जाए तो उसको मैं डेबिट नोट के देता हूं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में फर्क क्या है? क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करता है, डेबिट नोट क्लाइंट इशू करता है, ठीक है। अच्छा, सब चीज़ें हो गई ना, कोटेशन आ गई, ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स पहुँच गए, इनवॉइस बन गई, सब कुछ हो गया, पेमेंट का टाइम आएगा पेमेंट का टाइम आएगा तो आप एक रेमिटेंस एडवाइस भेजेंगे किसको? इसको पेमेंट करनी है, पेमेंट हमें किसको करनी है? सप्लायर को पेमेंट करनी है। उसको बताएंगे भाई मैंने एक चेक भेज दिया है तुम्हें, ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिया है, उसको मेथड ऑफ पेमेंट बताएंगे, इनवॉइस नंबर बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, सो एंड सो ऑन। ये एक कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर चाहिए बता रहे जाता। जब आपने रिमिटेंस एडवाइस भेज दी, उसको मिल गई, तो आपके पास एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा कि जी पेमेंट रिसीव हो गई है, ये सेलिंग बिजनेस बेचेगा कि आपकी पेमेंट जो है वो रिसीव हो। ये एक पूरी साइकिल, सही है। और इस साइकिल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, बेसिक। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर जाएँ तो ये मैंने कहा था कि देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो होती है स्टेक होल्डर्स की, जिनको हम यूजर्स भी कहते हैं। ये यूजर्स हैं कोई अनयूजुअल यूजर है? आप कहोगे यार कॉम्पिटिटर को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्यों जरूरत होती है, ताकि वो देख सके कि उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। उसे कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, लेंडर को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, सप्लायर को, कस्टमर को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, सबको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो हम इन स्टेक होल्डर्स को 3 हेड्स में क्लासीफाई कर देते हैं, सही है, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, जिसको हमने पढ़ा था एक्सटर्नल, इंटरनल और कौन सा, कनेक्टेड, सही है। इन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया, इन्होंने इसको क्लासिफाई इस तरह से नहीं किया हुआ, इन्होंने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। एक वो ग्रुप है यूजर ग्रुप जो इन्वेस्टर ग्रुप है, ये कौन है? जो आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, ये आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको आज पैसा दिया जो फ्यूचर में पैसा देंगे, दोनों आ सकते हैं। लेंडर ग्रुप कौन होता है? जो आपको लोन देने वाले होते हैं, यानी कि यूजुअली इसमें बैंक आ जाता है जो आपको लोन दे रहा होता है। एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर कौन आ जाता है?
मैनेजर्स आ जाते हैं, करंट एम्प्लॉयज आ जाते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज आ जाते हैं जिन्हें काम करना है, पास्ट एम्प्लॉयज आ जाते हैं, सबके अपने अपने कंसर्न है ना। एनालिस्ट और एडवाइजर ग्रुप जो कंपनी के इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रेलेवेंट लोगों को कंपनी के बारे में एडवाइस कर रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को बता रहे हैं कि जी आपको यहाँ काम करना है नहीं करना, शेयर होल्डर्स को बना रहे हैं बता रहे हैं कि यहाँ आपको काम करना है नहीं करना। बिजनेस के कॉन्टेक्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं? सप्लायर एंड कस्टमर्स, जिनके साथ बिजनेस का एग्रीमेंट होता है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बिजनेस के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं? टैक्स अथॉरिटीज, अदर लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट जैसे FBR, FIA, इस तरह के जो इदारे होते हैं वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो बिजनेस की जो यूजर्स बताए जा रहे हैं, ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सही है, वो इन तमाम यूजर ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होगा। इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा नहीं, वो एक अलग मसला। की स्टेक होल्डर्स कौन से, वो एक अलग मसला, ठीक है। लेकिन ये तमाम कहलाते हैं यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इंटरनल को अलग किया हुआ है, हम इम्प्लॉयज़ को भी इंटरनल यूजर ही कहते हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन की है। सो मैनेजमेंट को इन्होंने इंटरनल यूजर में लिया हुआ है, इम्प्लॉय भी इंटरनल यूजर में आते हैं, सही है जी। अब यहां लिखा हुआ है अकाउंटिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। अकाउंटिंग का दो बेसिक एलिमेंट है, एक है रिकॉर्ड करना, सही है, और दूसरा है उस रिकॉर्ड को समराइज करना। तो रिकॉर्ड करना तो समझ में आता है, समराइज क्यों करना सर? ताकि वो इजीली इंफॉर्मेशन दे सके। जी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो उसको मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करने के लिए उसको समराइज करना पड़ता है, और ये है उसका ऑब्जेक्टिव। ये पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, ऑनर्स एंड अदर पार्टीज इंटरेस्टेड इन एन एंटिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस इज अचीव्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब अकाउंटिंग का मेन एम क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले रिकॉर्डिंग सीखनी पड़ेगी, समराइजेशन सीखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन सीखनी पड़ेगी, फिर फाइनली हम क्या बनाएंगे, फिर फाइनली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की पोजिशन में आ जाएंगे, सही। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग और समराइज कैसे होती है? ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में पहली मरतबा कहाँ रिकॉर्ड होती है? पहली मरतबा, सबसे पहली मरतबा। तो कुछ लोग कहते हैं जी डेबिट क्रेडिट होता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी ना, ट्रांजेक्शन क्या है? आपने एक कस्टमर को गुड्स बेचे, इट्स अ ट्रांजेक्शन, सही है। आपने अपने वर्कर को सैलरी दी, इट्स अ ट्रांजेक्शन। आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे, इट्स अ ट्रांजेक्शन। आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इट्स अ ट्रांजेक्शन। तो हर ट्रांजेक्शन को सबसे पहले एक बुक में लिस्ट डाउन किया जाता है, लिस्टिंग की जाती है उसकी, सही है। कोई प्रॉपर तरीका नहीं होगा लिस्टिंग का, जस्ट नोट किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, इसकी बुक्स हम देखेंगे कैसे बनती हैं। उन बुक्स को जहाँ पर पहली मरतबा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम एंट्री। इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक्स ऑफ प्राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन है। ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली मरतबा रिकॉर्ड होती है। और इन बुक्स के अंदर, सही है, रिकॉर्ड किया जाता है सिमिलर ट्रांजेक्शन को, यानी कि हर सिमिलर ट्रांजेक्शन की एक बुक बनाई जाती है, सही है। नेमली अगर हम बात करें तो एक सेल्स डे बुक बनती है, एक परचेज डे बुक बनती है, एक रिटर्न डे बुक बनती है, एक परचेज रिटर्न बुक बनती है, इस तरह आगे जाके हम पढ़ेंगे कितनी बुक्स बनती है, सही है। उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बुक्स बनाई जाती हैं और बुक्स के अंदर हम अपनी सारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर तीन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्स बुक या सेल्स डे बुक, सही है, वहां पर सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। एक परचेज डे बुक होती है, वहां परचेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं। और एक कैश बुक बनाई जाती है जहां पर कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात ज़हन में रहे,
कि जब हम कैश बुक की बात करते ना, तो इसका मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती, बैंक के जरिए जो ट्रांजेक्शन होती है उसको भी हम वहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि बिजनेस कैश में डील नहीं करता, सही है? बिजनेस क्या करता है? बिजनेस बैंकिंग चैनल के थ्रू काम करता है, ठीक है? अच्छा, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी ना इसको रेफर करने के लिए, तो भाई हमें क्या पता लाखों ट्रांजेक्शन है, कोई खो गई तो हम एक कोडिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोडिंग सिस्टम क्या होता है। कोड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई किया जाए, क्रॉस रेफर किया जाए, सही? ये हम आगे जाके देखेंगे कोड वगैरह क्या होता है। अच्छा जी, अभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। अच्छा, बीच में बात हुई थी किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सही है? तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे माइंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुम्हें नजर आ रही नीचे पांच चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे? जी सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में ये पांच चीजें आती हैं। एक आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये बनाना हमारे सिलेबस में, चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, नोट्स। नोट्स हमारे सिलेबस में नहीं होते, ये स्टूडेंट को इस लेवल पर नहीं सिखाए जाते। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनली बन जाएगा ना, पूरा साल ट्रांजेक्शंस होती रहेंगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, फाइनली एंड रिजल्ट क्या होगा, आखिर में निकलेगा क्या? इट रिजल्ट्स इनटू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है? नॉर्मली साल का बनाया जाता है, ठीक है? अकाउंटिंग ईयर होता है, उसके पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करके और उसको एनालाइज करके, क्लासिफाई करके, फिर फाइनली ये पांच चीज़ें बनती हैं, इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना के साथ साथ एक और टाइप की अकाउंटिंग होती है जो कि कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, ये इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। कंपनी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है ना, उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है, यानी कि छुपा के नहीं रखी जाती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज की जाती है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो छुपा कर सिर्फ उन लोगों को दी जाती है, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है जो उसकी मैनेजमेंट होती है, जो उसके अंदर के यूजर्स होते हैं उनको बताया जाता है। जैसे हम कभी ये बताएंगे कि हमारी रेसिपी क्या है, कभी ये बताएंगे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमने कितने, एक प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए, नहीं बताएंगे, सही? लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट को तो सारी चीज़ें पता होती है ना। तो ये पांच स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सही है? जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, सही है, जिसका आजकल एक मॉडर्न नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होगी? इनकम, और दूसरी चीज़ क्या है? एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग में ना टोटल पाँच कॉम्पोनेंट्स के बाद पाँच चीज़ें होती हैं, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होती है इनकम, दूसरी होती है एक्सपेंस, तीसरी होती है एसेट्स, चौथी होती है लायबिलिटीज, पांचवी क्या होती है? कैपिटल। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इन पांच चीजों के अलावा अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं होता। अकाउंटिंग इन पांच चीजों को रिकॉर्ड करने का नाम है और इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कम्युनिकेट करने का नाम है, यही अकाउंटिंग है। इनकम क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये पांच चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं, क्या? इनकम और एक्सपेंसेस। एक बिजनेस कोई भी काम कर रहा है ना, तो बिजनेस वहां से इनकम जनरेट करेगा और उसको, उस इनकम को जनरेट करने के लिए सर्टेन एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सही है? इट्स अ बिजनेस, मुझे इनकम कहाँ से मिली? स्टूडेंट से फीस मिली, सही है? अब उस फी के अगेंस्ट मैं टीचर हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी,
कोई और टीचर है उसको सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, लैपटॉप का खर्चा, मेंटेनेंस, ये वो, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एक्सपेंसेस। तो एक दुकान खुली हुई है फॉर एग्जांपल किसी शॉपिंग मार्केट के अंदर, तो उस दुकान के अंदर क्या है, कस्टमर आता है, गुड्स खरीदता है, इनकम, और उसके अगेंस्ट जो हम खर्चे कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट में जब जाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट एक ही चीज़ है। बैलेंस शीट पुराना नाम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसका मॉडर्न नाम है या नया नाम है। उसमें तीन चीज़ें होती, एसेट्स कितने हैं आपके पास, आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, और आपका बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना लगा हुआ है। इसको हम आगे वन बाय वन देखेंगे। तो ये पांच चीज़ें अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इन पांच चीज़ों में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम कहेंगे इनकम और एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम कहेंगे एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। फिर इस पर आगे बात करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, नोट्स टू द अकाउंट। अब ये टू अर्ली हो जाएगा, इसको मैं इसको एक्सप्लोर करूँ। सही है, अब देखें यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कंपैरिजन है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा सिलेबस है तुम्हारा, BA2। सही है, BA2 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो दोनों ही अकाउंटिंग, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क है, ये क्लियर होने चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोडक्शन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर, किसके लिए है, एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है। ठीक है, एनुअली बनाई जाती है, क्वार्टरली बनाई जाती है, ईयरली बनाई जाती है। ठीक है, जर्नली रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये लॉ क्या है, हर कंट्री के अंदर ना लॉज बने हुए होते हैं, जैसे कंपनी लॉ होता है वो यह कहता है कि जी बिजनेस को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, कोई सेमी एनुअली बोलता है, कोई क्वार्टरली बोलता है। ठीक, तो ये मैंडेटरी होते हैं, क्या होते हैं, लॉ की वजह से क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी होती है, नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं एक्सटर्नल यूजर को, वो आज की इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, या फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी होती है, वो पास्ट और करंट इन्फॉर्मेशन होती है। इस साल के एंड पे जो इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का वर्ड इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो फ्रेमवर्क्स के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। अकाउंटेंसी फ्रेमवर्क्स बने हुए होते हैं, जिसमें से एक फ्रेमवर्क है जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आगे जाके हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, IAS क्या होते हैं। सही है, ये बात हो गई इसके ऊपर। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी तो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आ सकती, क्वांटिटी, क्वांटिटी मॉनेटरी टर्म्स में आ सकती है, कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेजेस हुई, 1,00,000 की, 2,00,000 की, 3,00,000 की, ये तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ मेरे वर्कर्स बहुत सच्चे हैं, सही है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी की वैल्यू होगी, कोई ऑनेस्टी की तो कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो देती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके कंपेयर एंड कंट्रास्ट में अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखें, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है ना, वो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे बजट्स बनाना, सही है, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, उसका ऑब्जेक्टिव इंटायरली डिफरेंट है। क्या बनाते हैं वो, प्रोडक्शन ऑफ डिटेल्ड अकाउंट्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू कंट्रोल द बिजनेस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। ये वो शेयर नहीं करते प्लान वगैरह बाहर दुनिया से, नॉर्मली प्रीपेड मंथली, ऑफन ऑन अ रोलिंग बेसिस। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुकाबले में ज़्यादा स्पीडीली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंडेटरी है, क्वार्टरली या सेमी एनुअली, ये रेगुलर बेसिस पे बन रही होती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होती, ये आपको किसी ने बाउंड नहीं किया हुआ कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनेंगे। अच्छा, फिर जब बाउंड नहीं किया हुआ तो ये भी बाउंड नहीं किया हुआ कि कैसे बनाएंगे, हर बिजनेस अपनी मर्जी से बनाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तरीका होता है ना, इनकम स्टेटमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, उसके दो तीन फॉर्मेट हैं,
सब एक जैसे तरीके से बनाते हैं, तो उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, सही है, पास्ट को देखकर हम बजटिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, ये सब तुम्हारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में आएंगे। और इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है ना, वो मैनेजर्स की रेलेवेंस के हिसाब से कैप्चर की जाती है। जैसी इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को चाहिए होती है, वैसी ही इन्फॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दी जाती है, यहाँ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की नीड्स के हिसाब से दी जाती है। फर्क क्लियर हुआ? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन बी